हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर इन मदरसा में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चों की बातों पर हंसी नहीं आई तो चैनल से कर देंगे वीडियो डिलीट। भैया मुझे हंसी नहीं, मुझे दुख नहीं, मेरा तो खून खौलता है। मुझे तो खून खौलता है जब कोई गलत बात करता है ना, मुझे तो गुस्सा चढ़ जाता है। तो चलो देखती हूँ कि उसने ऐसी बात की जिससे मुझे हंसी आई कि दुख होगा और गुस्सा आएगा, क्या होगा? दोनों रिएक्शन में से देखते हैं। गुस्सा तो मेरे को नहीं आता, मगर दुख जरूर। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है भैया, मैं बड़ी गुस्से वाली हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में और ज्ञान में उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा जिंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब चीजें उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने पहले से बना के रखी हुई है। जो ये डॉक्टर इंजीनियर अच्छा स्मार्टफोन यूज करते हो कोई? सर सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे। बनाया मालूम है कहाँ से आया, टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? A few moments later. अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं उसके तर्जुमे के, जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे। मैंने कहा है साहब 12वीं कर रहे हैं मदरसे से। क्या मायने? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। देखिए बहराइच मामले को लेकर जब से खबरें सियासत गरमाई है, जब से खबरें उजागर हुई हैं, तभी से समाजवादी पार्टी एक रट लगाई हुई है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरे साथ कुछ मदरसे के बच्चे हैं और क्योंकि मदरसे को लेकर भी आए दिन सवाल खड़े होते कि मदरसे में आखिर क्या कुछ होता है, मदरसे को बंद करने तक की डिमांड भारत में की जाती है। तो मदरसे के जो ये बच्चे हैं, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि कैमरा इनके तरफ कीजिए कि मदरसे में क्या कुछ पढ़ते हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वकील है। वकील बना है। अब सब मदरसे में, अब आप इनके इनके साथ आ जाइए, सब मदरसे में पढ़ते हैं? हाँ जी सब मदरसे। कौन से मदरसे में? मदरसा अब्दुल रब। वो कहाँ है? कश्मीरी गेट के पास है मदरसा अब्दुल रब, दिल्ली में ही। कश्मीरी गेट के पास में, वैसे दिल्ली में मदरसे हैं। हम नू जिले से हैं, मेवात हरियाणा। जी मेवात में तो बड़ा कांड हुआ था, याद है? हाँ सब याद है हमें। आप भी शामिल थे क्या उसमें? नहीं नहीं, हम तो मदरसे में ही थे पहले, उससे पहले हम यूपी में पढ़ते थे तो हम सब इधर उधर जाम हो गया था, तो इस वजह से हम आ नहीं पाए, तो हम अंदर से थे। को लेकर जो खबरें चलते हैं स्पेशली यूपी की, अगर हम बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कभी कभी बोलते हैं कि मदरसों को कभी कभी रोज ही बोलना चाहिए खत्म करो। मदरसे जो उन्होंने टारगेट किए और बंद भी करवाए, सारे बंद हो जाएंगे। देख इस पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो मदरसे के ऊपर बंद करने की कहते हैं ना, ये तो ये किसी कोई चलाने वाला नहीं है, नहीं इसको चंदा देते। अगर ये चंदा देते तो मदरसे को जब इन पे इनका हक बनता है उसको बंद करने का या इसमें अंदर ऐसे एंट्री मारने का, जब ये चलाते ही नहीं तो हम अपने दीन के मुताबिक उसको जैसे चलाते हैं, हमारे और बड़े उस्ताद है मौलाना है जो उसको चलाते हैं, हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी मदरसे में गलत काम हो रहा है, जैसे प्रयागराज का जो मदरसा था उसमें, प्रयागराज में एक मदरसा था जिसको लेकर सियासत हुई थी, वहाँ जाली नोट बनाए जा रहे थे, नकली नोट बनाए जा रहे थे, तो आप वहाँ जाकर पता कीजिए ना उसके बारे में, हमें थोड़ी मालूम है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जो हमारे सामने हम जिसको कर रहे हैं उससे आप वहाँ के पूछ सकते हो जो भी चीज़ आपको मालूम करनी है, तो हम उसके बारे में हम वहाँ जानते नहीं पहचानते, तो उसके बारे में क्या कह झाड़ लो अपना पल्ला। बारे में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए? अरबी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सब चीजें पढ़ाई जाती है। लैंग्वेज मतलब सारी लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जा रही है, कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, ये सब एक बात मैं आपको बता, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, फारसी भी लैंग्वेज है और अरेबिक भी लैंग्वेज है, ये तो भाषाओं को ज्ञान दिया जा रहा है मदरसे में, कोई टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं दी जा रही है, साइंस नहीं पढ़ा। नौकरी क्या करोगे? टेक्नोलॉजी जो कुरान पाक हमारे पास है ना उसमें पूरी बातें सब चीजें उसके अंदर हैं, तो हमारे लिए हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी जो बातें बयान की है ना वो सब कुरान के अंदर हैं, जो जिस तरीके से हमें जिंदगी गुजारनी है उसी तरीके से हमें सब रास्ता हमारे लिए हमारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें
छोटी से छोटी बात यह है कि चप्पल से पहनने के तरीका और क्या नाम है, नहाने पीने का, खाने पीने का हर चीज़ और सलीका सब चीज़ें हमें सिखा रखी है। हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके ज़िंदगी गुजारते हैं। सारी चीज़ें कुरान में, कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई साहब? जो ही कह रहे हैं कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, साइंस टेक्नोलॉजी सबके बारे में बताया गया है। किताब में अगर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं एक, जैसे मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूं? मास कम्युनिकेशन की चीजें सिखाई जाती हैं कुरान में। एक हवाई जहाज चलाता है, पायलट डॉक्टर बन जाएगा, वो पायलट बन सकता है कुरान पढ़ के? कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, अगर इंसान उसे गौर से पढ़ेगा तो उसके जहन खुलते हुआ चला जाएगा। बंद हो जाएगा पागल, जहन कैसे खुलेगा? नहीं आप घबराएंगे नहीं प्लीज, जहन कैसे खुलेगा? क्या वो सब बोला है उसको, खुद ही पता चलेगा। मैं इतना लॉजिकल बोल रहा हूं, जहन खुलने का मतलब ये है कि यानी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज़ याद नहीं होती तो कुरान एक पवित्र ऐसी किताब है, हम उसको पवित्र मानते हैं और मानेंगे भी और मानते रहेंगे। तो उसको ज़्यादा पढ़ने से हमारा जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता है। कोई भी चीज़ हमें दोगे आप पढ़ने के लिए, इसको 10 मिनट में याद करो, हम उसको 3 मिनट में याद करके दिखा देंगे। ऐसे जहन खुलने की बात, साइंस आती नहीं, मैथ आता नहीं। तो आपके हिसाब से जो ये यूनिवर्सिटीज खुली हुई है, कॉलेजेस खुले हुए हैं, इन सब में अगर कुरान पढ़ाई जाए तो ये सब इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाएंगे? 10 मिनट में बन जाएंगे। सच बताना, देखो क्या कुरान से कोई डॉक्टर बन सकता है? कुरान पढ़ने से कोई इंजीनियर बन सकता है? कुरान पढ़ने से कोई पायलट बन सकता है? कोई पत्रकार बन सकता है? एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से आपको उसकी जैसे दुनियावी डिग्री है ना, वो उसके लिए हासिल करनी पड़ेगी। असल हमारे लिए कुरान पाक है वो आखिरत। कुछ हासिल नहीं करना क्या? आपको कुछ हासिल नहीं करना, सिर्फ भाषाओं का ज्ञान चाहिए आपको? आपको कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए? सीखनी हमें। आप ये बताइए हमने कब कहा है, आपको बनना क्या है बड़े होके? हमें बड़े होकर मौलाना बनना है, दुनिया के रहनुमा बनना है, सबको मौलाना बना रहे हैं। जैसे बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनो, हमें ऐसी चाहत कुछ अलग बनो। हमारे मुकद्दर सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से पहले जो हमारा यकीन है ना, 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा जिंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। तो ये भैया पहले भी मुलाकात हुई इनसे, बड़ा अच्छा ये बोलते हैं। अच्छा ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं? हाँ ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं। और डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़ने से हम हर चीज हासिल कर सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम पत्रकार भी बन सकते हैं। बेशक इनका सही कहना, क्योंकि हमें आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र में अमाल काम आएंगे, हमारे कुछ पैसे, डॉक्टर, इंजीनियर ये काम नहीं आया। कुरान पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मौलाना बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इनको कामयाब करे, बहुत अच्छी सोच है इन लोगों की। अच्छा जितने भी खड़े हैं इन पे सब सबको दिखाना, सबको मौलवी बनना है, किसी को कुछ नहीं बनना इसके अलावा, क्योंकि इनका दिमाग ही खराब कर दे। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की ये बनना चाहिए अच्छी बात है, हम मना नहीं करते किसी को, कोई मत बनो, ये दुनियावी जिंदगी के मुतालिक जो हम मानते हैं ना, ये दुनिया में ही फायदा देंगे और जो लोग करते हैं उनके लिए फायदा देती हैं, ये जब तक दुनिया में हम इंजीनियर भी तो आप ही लोगों में से, हम लोगों में से के बनेगा। अगर सब लोग सिर्फ मदरसे में पढ़ाई करने लग गए तो मदरसा तो फिर तरीके से, मैं बोलूंगा कि मदरसे में ये नहीं है, ये गलत बात है, मदरसे में उस तरह बाहर निकलना पड़ेगा ना। अगर डॉक्टर बनाए तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा, इंजीनियर बनाए तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है ये दुनियावी पढ़ाई है, इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगे, और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? जीने के लिए कुरान काफी हमारे लिए। अगर डॉक्टर बनना छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे, तो फिर कैसे इलाज होगा? डॉक्टर बनना भाई ये तो दुनिया भी पढ़ाई है ना। अभी मेवात से कैसे आए हो? किसी गाड़ी से, बस से, किसी तरीके से आए हो? वो भी टेक्नोलॉजी है। अब इनकी सोच है, अगर ये मतलब मौलाना बनना चाहिए बात है, इनकी सोच है, अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो बहुत अच्छी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अगर हर कोई मौलाना ही बन जाए तो हो गया काम, जाना है तालीम हासिल करनी आखिरत के लिए, तो इस दुनिया को डॉक्टर कौन देगा? इस दुनिया को इंजीनियर कौन देगा? इस दुनिया को अच्छे लोग कौन देगा? नहीं मैं भी हूँ, मैं भी अभी SSC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी इनमें से हूँ, मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो मौलाना नहीं बन रहा। क्योंकि तो मदरसा नहीं जा रहा। क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने गए क्यों नहीं गए मदरसा? आपने किसने कहा कि मैंने ज्वाइन नहीं करा? मैंने दिली तालीम हासिल करी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ,
दुनिया जीने के लिए कुछ बनने के लिए मदरसा छोड़ना पड़ा आपको भी? नहीं, मैंने दीनी तालीम एसएससी की तालीम कहाँ से हासिल कर रहे हो? एसएससी की तालीम अभी मैं कोचिंग जा रहा हूँ प्लस कॉलेज जा रहा हूँ। ये चीज मदरसे में क्यों नहीं मिल सकती? कहाँ से मदरसे में मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है? हमारे इस्लाम ही दे रहा है, और कौन दे रहा है? ये भगवान, ये भी मुझे लगा था अक्लमंद है। आप ये कह रहे थे ना हिंदी लाइन से नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी लाइन से मैं पढ़ाई कर। मुझे सब्जेक्ट जो बताए थे उनमें से किसी ने नहीं बोला कि मैं तो साइंस है, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना। एसओएल का है जो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और भाई का कहना है कि अगर सब लोग मौलाना बनेंगे तो कैसे होगा? कुछ इनमें से हम भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, ऐसा समझ नहीं आती। आखिरत को लेकर बड़ा कंसर्न होता है स्पेशली मुसलमानों में, वो मदरसे में बताया जाता है। आप पहले ये बताओ आप मरने के बाद क्या सोचते हो, आपके धर्म में क्या कहते हैं? मरने का तो बाद में सोचोगे, पहले जीने का सोच रहे हैं। पहले जीने के लिए चाहिए पहले कुछ, हम जीने के लिए कि अच्छा इंसान बनना है, अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है। मेरे हिसाब से तो ये जिंदगी है, नहीं हरगिज नहीं। अच्छा ये तो एक सेकंड की जिंदगी है। अगर हमारी आप किताब पढ़ोगे, कपड़े क्यों पहन रहे हो, मजहब में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल सच साबित होगा, गलत साबित बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ के देख लो, कुछ मानो कभी भी, पक्की बात है, पक्की बात है। एक एक सवाल खड़ा होता है, रुकी रुकी रुकी, ये मौलाना बने कुछ भी बने, इस पे आप टिप्पणी करने वाले होते कौन है? आपको मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ, पढ़ाई छोड़ दे, मैंने बोला आपको नहीं, तो इनकी जो मर्जी है, ये चाहे मौलाना बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये इनकी मर्जी है, ये इनकी थिंकिंग है, जो भी बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि हम अपने आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, तो गलत है भाई, सभी लोग ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ये जिंदगी कहते हैं बहुत लंबी होती है, उसको जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए, साइंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आने जाने के लिए कार चाहिए। अच्छा स्मार्टफोन यूज करते हो कोई? सर सारे लोग स्मार्टफोन ही नहीं पता क्या होता मुझे, बनाया मालूम है कहाँ से आया, टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है, मतलब है आखिरत में मिल, आखिरत में भी मिलेगा क्या मोबाइल? नहीं, देखा भी क्यों यूज कर रहे हो? आपने बोला था कि कुरान में हर चीज स्पष्ट लिखी हुई है, धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? धरती चपटी है, क्या पूछने जा रहे हो? हमारी पृथ्वी कैसी है, क्या करती है, किसका चक्कर लगाती है, इसको बोलो गोल है कि चपटी है? सोचा रहा मदरसे में सब चीज बताई जाती है कुरान में, अभी कुरान के बारे में क्या क्या बताएगा? अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे दो तीन पारे हुए हैं उसके तर्जुमे के, जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरा। नए नए कहाँ है साहब, बारहवीं कर रहे हैं मदरसे से, आप कह रहे नए नए है? और ये पृथ्वी का मामला अगर हम नॉर्मल स्कूल की बात करें तो तीसरी कक्षा में थर्ड क्लास में बताया जाता है कि हमारा सौरमंडल क्या है, कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, क्या कुछ पढ़े, और अब बारहवीं में पहुंच गए कुछ नहीं बताया। अरे बेसिक ही बता दो, जो कुरान है उसमें सब चीज नहीं। अभी रुक जाइए, आपका समर्थन करने के लिए मौजूद है, आप डरिए मत। नहीं मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के समर्थन, आप लोग कह रहे हैं ना तीसरे में सिखा दिया जाता सब कुछ, हमारे लिए सब चीज सिखाई जाती है। कुरान कुरान का तर्जुमा आ जाओ, उसको पूरा करेंगे, उसमें पूरा आ जाएगा। हमारे एक दो पारे हुए हैं, जब 30 पारे रहते हैं कुरान, उनको पूरे को पढ़ेंगे तो सब चीज सिखा दी जाएगी उनको। अभी तो यही नहीं तुमने सिखाया है अर्थ के बारे में। तर्जुमा तो हम अभी शुरू करा इस साल, और जो इस साल शुरू करा, इस साल से पहले क्या कर रहे थे? मुझे सब समझ में आता है, उर्दू बाकायदा से समझ में आती है। मुझे ये बताइए कुरान अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया है तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे मदरसा में? कुरान हिफ्ज याद किया, कुरान को पहले हिफ्ज किया था, उसको अपने सीने में महफूज किया है। रट्टा मारा अपने साल, भाई कौन क्या कह रहा है, इसका तर्जुमा अब शुरू कर रहे हैं, पागल हो? मौलवी जो पढ़ाई रहती है इसमें कुरान के बारे में बताया जाता, 12 साल तुमने बर्बाद कर दिए सिर्फ रटने में, दुनियावी बारे में, आखिरत के बारे में हर चीज बताई जाती है। अब शुरू कर रहे हैं हम, अब से पहले हिफ्ज की थी हमने। नहीं मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आखिरत के बारे में तक मैं आप लोगों को बता दिया कि मरने के बाद क्या होगा, अभी जहाँ पर मौजूद हो जिस प्लेनेट पे आप खड़े हो, अर्थ के बारे में कुछ किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी मौलवी ने किसी मौलाना ने कुछ बताया? क्या बताया? चलिए आप ही बताइए, तो नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि
मुझे नहीं बताया, ये क्यों नहीं बता? क्या पूछना चाहते हैं? मदरसे में इवन कुरान में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ बताया जा रहा है? आपने कुरान पढ़ी नहीं है, आपने रीड नहीं करी है उसको अच्छी तरीके से। अगर करते हैं तुम बताना, कुरान में ये कहा गया है कि अगर आप फजर की नमाज पढ़ रहे हो, फजर के नमाज के बाद आप अपने मतलब जो आप मतलब रोजमर्रा की जिंदगी है कमाने के लिए निकल जाओ, और नमाज पढ़ने के बाद ये कहा गया है। अर्थ के बारे में क्या बताया? इंतजार में मत रहो, आप कमाओ और खाओ, अल्लाह की जिंदगी अल्लाह के राह पे चल के, और हलाल रोजी करो, हराम नहीं कमाओ, ये कहा गया है कुरान में। अच्छा डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, धरती हमारी साकिन है या घूम रही है? घूमती रहती है 24 घंटा, घूमती रहती है धरती, घूमती रहती है चौबीस। धरती साकिन है, स्थिर है। कुछ मुलाना कहते हैं, हो सकते हैं पेड़ मुलाना हो, अब उन पे ये क्या टिप्पणी करना। वैसे कुछ पंडित जी कुछ नहीं नहीं कुछ पंडित आपके हिसाब से घूम रही है, ये घूम रही है शुगर है आपके हिसाब से, बुक के हिसाब से कुछ नहीं पता। आपसे जाना चाहो आपके हिसाब से घूम रही है नहीं घूम रही, तुम्हारे हिसाब से तो बहुत कुछ होगा। कुछ बोला इन्होंने अरेबिक में? कुछ बोला, प्लीज रिपीट करिए। क्या मायने? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। क्यों बात क्यों खत्म करने? अभी नहीं, खुद बात करने को इतनी नॉलेज ही नहीं है। अच्छा नहीं, ये हमारे हमें तो देखो पैसा मिलता है इस काम करने का, लेकिन आपने बोला कि धरती घूम रही है, हमारे पास टाइम नहीं है। और धरती है कैसी, शेप कैसी धरती? गोल है धरती, गोल बताया जाता है, आप अपने मन से बोल रहे हैं, बताया जाता है तभी तो बता रहे हैं, धरती पूरी गोल है। और जो चांद है वो धरती से, सूरज है वो धरती से बड़ा है, जैसे बॉल ग्राउंड में रख देते हैं ना, धरती ऐसे दिखती है, और आसमान धरती से बड़ा है। क्या चांद धरती से बड़ा है? हाँ, ये बात किसी ने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, चांद सूरज बोलना चाहिए, प्राउडली बोल रहे हैं कुरान में बड़ा है। चांद है क्या वैसे? क्या चांद है? क्या चांद? क्या चांद है कैसे ही है? उसके बारे में ये बता दें, क्या चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं? चांद सूरज को चांद बना दिया इसने, तो थर्ड क्लास में पढ़ाता है कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं, प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, इसको चांद सूरज ही नहीं पता शायद। चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, मैंने किताब में पढ़ा है सर। कौन सी किताब में पढ़ा है? अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा। आपके अलग नाम क्या है? किताब का नाम बताइए। साइंस विज्ञान, विज्ञान ये बताता है, और ये हर कोई जानता है कि धूप से जो है पेड़ पौधे धूप से नहीं बढ़ते, बनते हैं। तो धूप कहाँ से आती है? अगर क्या नाम है, धूप ही धूप रहे पूरी जिंदगी में, अगर क्या मैं क्या मना कर रहा हूँ, चांद नहीं है, चांद है, चांद धरती का उपग्रह है, वो चांद से ही तो आती है, वो धूप खिलते जभी तो गर्मी लगती है, गर्मी चांद से आती है, सूरज से। वो मालेना इल्ल बलाग, ओए आ जाओ, तुम बहुत देर हो गई, गर्मी चांद से आती है, ये तो नया लॉजिक दे रहे हो आप। सूरज से आती है गर्मी, सूरज से आ रहा है, इंसान जिंदा रह पाएगा? आप ये बताइए, चाहे कितनी एसी लगा लो, कितनी ऑक्सीजन ले लो, दिल्ली में रखते हैं लोग आसमान में। ये चांद चमकता कैसे है, खुद का चमकता कैसे? लेकिन मैं आपको बताऊँ, चांद बहुत छोटा है धरती के मुकाबले, वो एक उपग्रह है। देखा, सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा आप बताएंगे चांद चमकता क्यों है? चांद चमकता क्यों? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने। चांद चमकता है, जवाब तो सुन लीजिए, चांद चमक, आप तो नहीं जवाब दे पाए, चांद चमकता क्यों है ये बताएंगे। ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत हम उस पर चेक कर लेंगे। टीएनएन वर्ल्ड ये चैनल है, दीपक शर्मा मेरा नाम है, और आपको अगर नहीं पता तो मेरे जवाब सुन लेना, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि चांद चमकता कैसे है। मुझे नहीं पता, आप बताएंगे सब। रिफ्लेक्शन नाम का कोई वर्ड सुना है? रिफ्लेक्शन आप ही बताएं, आप ही बताएं, हमें नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता। ये रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है। आपने कहा पढ़ा? बिल्कुल सही। अब आप ये पूछेगा कहाँ से पढ़ा? आप तो साइंस पे भी सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन आपकी कुरान में जो लिखा वही सत्य है ना? कुछ नहीं लगा रहे भाई आप। क्यों भाई गॉड, ये और दिल्ली में, ये दिल्ली के मदरसे हैं भैया। मैं तो इतने साल वो दिल्ली रही, मुझे तो पता ही नहीं था वहां भी मदरसे होते हैं। तो ये पता नहीं दिल्ली गवर्नमेंट कर क्या रही है, सो रही है। तभी हम कहते हैं यार मदरसे बंद करो, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं देश के लिए। बाई गॉड, उसको इन सब के सब को स्कूल नहीं, पता है क्या,
और रिलीजियस एजुकेशन होनी चाहिए आफ्टर दैट। हाँ, पहले जो भी है गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सुबह से 3-4 बजे तक स्कूल जाओ, उसके बाद 3 बजे तक, उसके बाद स्कूल के होमवर्क करो, और होमवर्क करने के बाद फिर जो तुमको करना है करते रहो, खेलो कूदो या मदरसे जाओ, वो तुम्हारी है। गवर्नमेंट फोर्स नहीं करेगी इंडियन देश का तो बेड़ा कर जाने के लिए, तो दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय। ये तो पाकिस्तान ने जैसे बैठे हुए वहां पे लोग हैं वैसा दिमाग उनका हुआ पड़ा है, और इन सबको क्या बना रहे, मौलाना। और मैं पता है क्या सोच रही थी, ये मौलाना बैठ के इन बच्चों को मौलाना बना रहे ताकि ये आगे जाके, अब एक मौलाना ने 50 बच्चे बना दिए मौलाना, वो 50 फिर आगे जाके 100 को बनाएंगे, 100-200 को, पूरे देश में मौलाना ही मौलाना करके यही सोच डाल देंगे। पढ़ाई लिखाई गई, उन्हें सूरज और चांद नहीं पता। कह रहे चांद जो है वो करता है, पौधों को देता है रोशनी देता है, उनको ये भी नहीं पता कि जो चांद है उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो क्यों इतना चमकता है, उसका लॉजिक नहीं पता। और वो जो दूसरा लड़का आया, जो लगा था पहले मुझे कि शायद थोड़ा पढ़ा लिखा है, समझदार होगा, मैं पढ़ रहा हूं, मैं मदरसा भी जाता हूं, मैं कॉलेज में भी पढ़ रहा हूं, ट्यूशन भी ले रहा हूं। भाई तू पता नहीं कहां कॉलेज जा रहा है, तू कहां ट्यूशन ले रहा है, और तू कौन से मदरसों में जा रहा है, जो तू इतना बड़ा होके भी ये 3 जगहों पर जाकर भी तुझे ये इसकी आंसर नहीं पता था कि मून चमक क्यों रहा है, उसकी वो जो लाइट है क्या उसकी अपनी लाइट है कि नहीं। होप तो यही है कि ऐसी जनता बहुत कम हो लाइफ में। नहीं, पूरा का पूरा ग्रुप वहां पे था, और दिल्ली में बाय गॉड ऐसी वीडियोस देखे तो लगता है कि कल नहीं आज ही मदरसे बंद करो, और प्रॉपर सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट हो, स्कूल्स तो सर्टिफाइड हो ही हो, इवन ट्यूटरिंग वाले भी सर्टिफाइड हो, ऐसे एले वाले नहीं होने चाहिए कि किसी ने भी ट्यूटरिंग की एक दुकान खोल ली अपनी। बॉय गॉड, शुरू शुरू में हंसी आई, उसके बाद तो दुख भी होने लग गया था, क्योंकि ये बच्चे जो थे बोल जो रहे थे सीधे, बातचीत में बेचारे सीधे लग रहे थे, पर दिमाग में बस रिलीजन भर भर के, कुरान में सब कुछ है, कुरान में, पर आंसर नहीं दे पाए वो बेचारे, साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे पाए। चलो यार, अब भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।